सुपर इंस्पायर न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ी खबर है, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस भर्ती में 1,00,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने हासिल की है सफलता। इनमें 15,898 फीमेल और 93,654 मेल कैंडिडेट्स शामिल हैं। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इधर देख सकते हैं 260 कैंडिडेट्स का रोक दिया रिजल्ट। रिजल्ट के साथ ही आयोग ने कट ऑफ भी जारी कर दी। इसके अलावा आयोग ने फिलहाल केरल राज्य का रिजल्ट घोषित नहीं किया है। इधर देखा जाए तो पीईटी पीएसटी में कुल 1,52,265 कैंडिडेट शामिल हुए थे, जिसमें से 1,09,552 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। इधर देखा जाए तो 2019 में हुई थी पहले चरण की परीक्षा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2018 के पहले चरण की परीक्षा 11 फरवरी से 11 मार्च 2019 के बीच आयोजित की गई थी। मेडिकल परीक्षा के बाद फाइनल रूप से अब 1,09,552 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। मैं जानना चाहता हूं इस भर्ती में ऐसी गलती क्या हो गई जो कि 260 कैंडिडेट्सों का रिजल्ट रोक दिया गया। आपका कमेंट चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वंदे मातरम, जय हिंद।